There are lots of students who wanted to crack IIT JEE within 1 year. Most of them are dropouts. IIT JEE exam सिर्फ आपकी knowledge को नहीं check करता है, ये आपकी smartness and capability of doing hard work, logical thinking and अपने सपने के लिए कितना अधिक sacrifice कर सकते हो और अपने time को कितने अच्छे से manage कर सकते हो, ये सारे skills IIT JEE exam check करता है। बट एक साल के अंदर IIT JEE के एग्जाम को क्लियर करने के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्ट्रेटजी, कि आप लोग कितनी परफेक्ट स्ट्रेटजी बनाते हो और उसे कितने अच्छे से फॉलो करते हो, जिससे कि आप लोग एक साल के अंदर IIT JEE एडवांस के एग्जाम को क्रैक करके अपने सपने को पूरा कर रहे होगे, अंडरस्टैंड। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँगा, चाहे वो बच्चा क्लास 12 का हो, चाहे वो बच्चा ड्रॉपर हो, यह स्ट्रेटजी आप सबके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहने वाली है और यदि आप लोगों ने इसे फॉलो कर लिया तो आप लोग एक साल के अंदर अपने सपने को पूरा कर रहे होगे, अंडरस्टैंड। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और नीचे सारे टेलीग्राम ग्रुप और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, कहीं पर आपको कोई डाउट आ रहा है तो वहाँ जाके पूछ सकते हो। और नीचे मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है वहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव डाउट पूछ सकते हो और उसका मैं या वहाँ पर जितने भी हैं बच्चे वो आपका रिप्लाई कर देंगे। तो अभी चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जो मैंने PDF आप लोगों के लिए बनाई है वो आपको दिखाते हैं कि क्या स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे जो पहला पेज है 0 to IIT, और सच में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊँगा वो 0 to आप लोग IIT जा रहे होंगे। सबसे पहले यार एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों को कौन सी IIT चाहिए और उस IIT में आपके कौन सी ब्रांच चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि IIT पाना तो बहुत मतलब कि आराम से मिल जाएगी, यदि आपको लोअर ब्रांच भी मिल रही है तो वो भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ब्रांच कौन सी चाहिए स्पेसिफिक आप लोग लिखो, IIT प्लस ब्रांच, ठीक है ना। ओके, देन मैंने आपकी जो स्ट्रेटजी वो दो फेज में डिवाइड किए, फेज 1 और फेज 2, और दोनों फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा दोनों चीज़ें, ठीक है ना, जानना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ स्टडी मटेरियल की, कौन सा स्टडी मटेरियल आप लोग फॉलो कर रहे होगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, क्योंकि फेज़ वन से पहले ज़रूरी है सिलेबस जानना आपको, ठीक है। तो सिलेबस मैंने पूरा यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, इसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यदि मैं ना दूँ तो आप लोग जरूर याद दिला देना, ठीक है ना, कि भैया PDF डाल दो, तो मैं पूरा डाल दूंगा वहाँ पे। तो इनके आप लोग प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना और सारी चीज़ें, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे ये फिजिक्स का सारा सिलेबस, देन ये रहा मैथ का सारा सिलेबस, ठीक है ना, एक दो चैप्टर मिस हो सकते हैं बट मोस्ट ऑफ द सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री का ये हो गया सारा, और उसके बाद बात करते हैं फेज़ 1 की, ठीक है ना। तो फेज़ 1 जो है वो आपका June to December होगा, यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना होगा और साथ ही साथ आपको जे मेन जे एडवांस की प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो बुक्स होती है ना, मैं आपको बताऊंगा आगे स्ट्रीम मटेरियल कौन कौन से फॉलो करना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, उनको भी आपको साथ साथ करते रहना है, ठीक है ना। यदि ये चीज़ें आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी कि भैया कैसे करना है पूरा एक अलग से, तो मैं अलग से जो एक दिन का होगा ना कि एक दिन आपको कैसा टाइम टेबल बनाना है, क्या करना है, उसके लिए अलग से पूरा टाइम टेबल बना रहे होंगे कि आप लोगों को कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब कब कितना चैप्टर करना है, ठीक है ना, कि आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है 2 पढ़ने, उसके हिसाब से अलग से चीज़ें कर रहे होंगे। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है जेमेन एडवांस और बुक्स के साथ साथ में बहुत अच्छे से, ठीक है। देन आपका आ जाएगा फिर December to January, और मैं मान के चलता हूँ या फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा होगा 23 वाला, और उससे पहले कोई चांस नहीं होने का, आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि उससे पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। तो ये यहाँ पर आपको, ठीक है, देन आपका आ जाएगा फिर December to January, और मैं मान के चलता हूँ या फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा होगा 23 वाला, और उससे पहले कोई चांस नहीं होने का, आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि उससे पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। देन आपका आ जाएगा फिर December to January, और मैं मान के चलता हूँ या फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा होगा 23 वाला, और उससे पहले कोई चांस नहीं होने का, आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि उससे पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है। तो क्या करना है, December to January, ठीक है ना, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करना है भर भर के, मॉक टेस्ट जितने अधिक लगा उसको उतने अधिक लगाना, रिवीजन यार बहुत जरूरी है। रिवीजन के लिए आप लोग अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहना, इस टाइम में June to December टाइम में आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है ना। और आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए, जो एक साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जो भी क्लास 12 में तो वो अपने डिटेल नोट्स बना सकते हैं, बट जो बच्चे ड्रॉपर हैं तो उनका मेन टारगेट रहना चाहिए यार कि शॉर्ट नोट्स बनाए। डिटेल नोट्स बना भी लोगे पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको मेन फोकस आपका शॉर्ट नोट्स पे रहना चाहिए। क्लास 12th वाले बच्चे भी शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं डिटेल नोट्स के साथ साथ, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि स्टडी मटेरियल की, कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स के। तो फिजिक्स में देखो यार, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो क्लास 12th में हो चाहे ड्रॉपर हो, ठीक है ना, तो उनके पास कोचिंग है, ठीक है ना। तो कोचिंग का मटेरियल आपको सारा वो यूज करना है और PYQ लगाने हैं जो एडवांस मेंस के हैं, ठीक है ना, उतना करना है। और यदि आप लोगों के पास कोचिंग नहीं है, आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है, तो आपको जैसे CB प्रैक्टिस के लिए और DC पांडे, ठीक है, DC पांडे से आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिस करनी है और एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
पर चैप्टर के आप डीसी पांडे से 40 क्वेश्चन लगा सकते हो एडवांस लेवल वाले, और एग्जांपल भी लगाना है, ठीक है ना। तो इतना कर सकते हो, एससीबी पूरी आपको लगानी है फिजिक्स के लिए। यदि कोचिंग है आपके पास तो कोई जरूरत नहीं आपको बुक्स करने की, आप कोचिंग का मटेरियल कह लो, पीवाईक्यू कह लो, मॉक टेस्ट लगा लो, सारे हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही आपको करना है। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में भी कोचिंग आपको मटेरियल आपके पास है तो उतना ही रखना है, उससे अधिक आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एनसीईआरटी जो कि यूनिवर्सिटी है लेवल वन, ठीक है ना, लेवल वन आप लोग लगा लो, लेवल टू भी आप लोग लगाना है। या तो सच में एडवांस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक जो ड्रॉपर हैं जिनका अच्छा चला गया अभी तक, अच्छे से उन्होंने तैयारी की है, उनका पूरा सब कुछ अच्छा है, तो एडवांस लेवल का जाना चाहते हैं तो लेवल टू और लेवल थ्री आपको लगाना है। बट जो बच्चे अभी सिर्फ बेसिक लेवल से करना चाहते हैं तो लेवल वन लगा लो आप लोग, जे मेन में फोड़ रहे होगे, ठीक है ना। फरवरी वाले अटैम्प्ट में उनकी बहुत अच्छी रैंक आ रही होगी। फिजिकल के लिए आपको बीके यूनिवर्सिटी, इनऑर्गेनिक के लिए बीके जयसवाल, ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे, एम एस चौहान में से कोई भी आप लोग एक बुक ले सकते हो, और उसके बाद पी वाई क्यू, ठीक है ना। इतना आपको सॉल्व करना है स्टडी मटेरियल, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में कोचिंग मैं फिर बता रहा हूँ, कोचिंग आपको अरिहंत सिंगेज और आर डी शर्मा। अब जैसे कि यहाँ पे एक सीरीज होती है, यदि बच्चे 11th में होते हैं या क्लास 10th में होते हैं तो उन्हें मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आर डी लगाओ, देन आप आर डी कम्प्लीट करने के बाद अरिहंत पे जाओ, देन सिंगेज पे जाओ। बट मैं यहाँ पर बोलूँगा यदि आपके पास टाइम कम है, ठीक है ना, क्लास 12th में, तो आप सिर्फ अरिहंत ले लो, सिंगेज पर भी मत जाओ। सिंगेज भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती है वो आप लोगों के लिए, वो मत नहीं कर पाओगे आप लोग एक साल के अंदर, तो आप लोग सिर्फ अरिहंत ले लो, ठीक है ना। और अरिहंत में भी आप लोग पूरी नहीं कंप्लीट कर रहे होगे, आपको सिर्फ 50% पकड़ना है, पर चैप्टर के 50% क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने, इतना ही करना है आप लोग आराम से, या जे मेन में एक अच्छी रैंक ला रहे होगे। एडवांस के हम बाद में बात कर लेंगे यार कि एडवांस में कैसे आपको अच्छी रैंक अचीव करनी है, बट हाँ यार जे मेन से पहले आपको जे मेन और एडवांस के सारे पीवाईक्यू लगाने हैं, चाहे आपको एडवांस की तैयारी करो या ना करो, बट वो तो करोगे। मैं आप बताऊँगा कि कैसे करना है, उसके लिए अलग स्टडी बना रहे होंगे, अंडरस्टैंड। तो आराम से ये सारी चीज़ें करो, पीवाईक्यू लगा लो, ओके। उसके बाद क्या रहा है, उसके बाद रिवीजन लास्ट मंथ में आपको कैसे करना है, ठीक है ना। लास्ट मंथ में रिवीजन की भी बात कर लेते हैं। तो यार आपके पास 30 डेज होंगे, 30 डेज को 50 और 50 डेज में डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 50-50 डेज में आपको पहले 50 डेज में आपको रीराइट करना है, जो भी आपने नोट्स सुनाए उन्हें दोबारा लिखना है, ठीक है ना, याद करके। जैसे याद करिए, आपने सारे नोट्स याद कर लिए, आपको याद है तो आपको देखना नहीं है, खुद लिखना है, ठीक है ना। सिंपल पेज लेना है, सारी चीज़ें बंद करनी है, नोटबुक, लैपटॉप, फ़ोन सब बंद करके साइड में रखना है, सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है और सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, ओके। और लास्ट के जो 15 डेज रहेंगे उसमें मॉक टेस्ट और रिवीजन रहेगा, बस इतना ही आपको करना है, और ये सारी चीज़ें रहें, ठीक है। उसके बाद आप लोग आराम से आईटीजेई फोड़ रहे होगे। और रही बात टाइम टेबल की, तो टाइम टेबल की आप लोग कमेंट बॉक्स से लिखना पड़ेगा कि भैया टाइम टेबल वीडियो बना दो, क्योंकि यार टाइम टेबल बहुत अलग चीज़ है जिसको हमें एक अलग लेवल पर बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यार हम सिंपल सा टाइम टेबल आपको बता दें फॉलो कैसे करना, ये बताएं ही ना, क्योंकि बनाना अलग है, बना तो सब लेते हैं यार, आप लोग बनाते नहीं, ये सब बनाते हैं टाइम टेबल, बट फॉलो नहीं कर पाते ना, तो एक अलग से वीडियो बना रहे हैं डिटेल में कि कैसे आपको फॉलो भी करना है। तो वीडियो मैक्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और अपने सभी दोस्तों के साथ कर दो शेयर। कोई डाउट है कमेंट में लिख लो, पूछ लो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक आप लोग आई टी जेई एडवांस के एग्जाम को फोड़ के अगले साल हमसे मिल रहे होंगे।